गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुनरावृत्ति कार्य कराया जा रहा है, तो पुनरावृत्ति भी सबसे पहले आप लोगों को हिंदी कस्तूरी का पुनरावृत्ति कार्य कराया गया। हिंदी कस्तूरी का पुनरावृत्ति कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसी तरह से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डेट है 17 ये तीनों का एक साथ पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ में आप लोग देखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। टाइम कम है, समय कम है, इसलिए तीनों एक साथ में कराया जा रहा है। आठ है कारक, जिसको कि इसके पहले भी कंप्लीट कराया जा चुका है, पुनरावृत्ति भी हुआ है। इसके बाद पाठ 15 संबंध बोधक, इसके बाद पाठ 17 तीन पार्ट से हम लोगों को पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूं, जिसमें कि आप लोग जानते हैं बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर पहला है, पहला जो प्रश्न है अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। अपादान कारक का विभक्ति
इसके लिए चार ऑप्शन के लिए से पहला है, के लिए दूसरा है, से तीसरा है, के और लास्ट है द्वारा। उपादान कारक का वृत्ति चिन्ह है से। इसके बाद अगला जो प्रश्न है दूसरा, दूसरा जो प्रश्न है मेरे घर के पास नीम का पेड़ है। यह एक वाक्य है, नीम संबंध बोधक शब्द क्या है। नंबर क, नंबर ख, नंबर ग और नंबर घर। मेरे घर के पास के पास और नंबर घर के। मेरे घर के पास नीम का पेड़ है। नीम संबंध बोधक शब्द क्या है? संबंध बोधक शब्द है के पास। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, सॉरी प्रश्न नंबर तीसरा है। तीसरा जो प्रश्न है, राजू अपने पापा के साथ जाएगा। क्या है?
ऑप्शन इसके लिए दिया गया है, राजू अपने पापा के साथ। तो इसको देखने तो आज आपको समझ में आ गया होगा, संबंध उद्धक शब्द जो होता है के समीप के साथ के द्वारा, इस तरह के शब्द जो होते हैं जोड़ने का काम करते हैं, संबंध बनाने का काम करते हैं, वे संबंध उद्धक शब्द कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है चार, प्रश्न नंबर चार है, किसी शब्द के अर्थ को लिखने के लिए किसी शब्द के अर्थ को लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग इसके लिए चार ऑप्शन प्रयोग किए गए हैं, लाघव, पोस्टर, विवरण। लाघव पोस्टर विवरण और नंबर घ तो इसका सही जो उत्तर होगा पोस्टर का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखने के पांचवा है, कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, चार ऑप्शन है, चार छह आठ और नंबर घर में दस। तो इसके पहले भी आप लोग देख चुके हैं, कराया गया है कि कारक के आठ भेद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सिक्स, छठा जो सातवां प्रश्न है, पिता ने पुत्र को बुलाया, पिता ने पुत्र को बुलाया। यह एक वाक्य है कि पिता ने पुत्र को बुलाया में कारक चिन्ह क्या है,
इसके लिए चार ऑप्शन पिता नंबर ख सूत्र नंबर ग ने को और नंबर घ बुलाया। तो कारक में आप लोग पढ़े होंगे कारक चिन्ह, कारक विभक्ति चिन्ह, कारक की परिभाषा, कारक के आत्मभेद आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है, ने और को। तो इसी तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान से देखना है, तैयार रखना है, क्योंकि आप लोग तैयार रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।